लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। यदि आप मात्र 20 रुपए प्रतिदिन अपनी सेहत के लिए खर्च करने की हिम्मत रखते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इससे 4-5 दिन में न केवल अस्थमा का रोग खत्म हो जाएगा बल्कि मोटापा भी गायब हो जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। यदि फेफड़ों में कैंसर पनप रहा है तो वह भी खत्म हो जाएगा। यदि फेफड़े कमजोर हैं तो उन्हें ताकत मिलेगी और फेफड़ों का कैंसर कभी नहीं होगा। इसके लिए किसी कंपनी की 80% डिस्काउंट वाली कोई दवाई नहीं खानी, केवल एक सेब फल खाना है, लेकिन प्रतिदिन सुबह नाश्ते में सेब में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। वहीं एक नॉर्मल साइज के सेब में करीबन 95 कैलोरी मौजूद होती है। सभी जानते हैं सेब सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन आपको सेब कितना फायदा पहुंचाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह खाते हैं। क्या आप सेब को छिलके के साथ खाते हैं या फिर उसे निकाल कर? बता दें, कुछ लोग पेस्टिसाइड्स के डर से सेब के छिलके को निकाल कर खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सेब को किस तरह खाना ज्यादा फायदेमंद होता है और क्यों? एक सेब के छिलके में लगभग 4.4 ग्राम फाइबर होता है। सेब के छिलके में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं, जिसमें 77% इनसोल्यूबल फाइबर होता है। सेब के छिलके में मौजूद ये फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा सोल्यूबल फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को नॉर्मल रखता है, शरीर में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को स्थिर रखता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में कारगर साबित होता है। बता दें, पूरे सेब में मौजूद विटामिन सी की लगभग आधी मात्रा इसके छिलके में ही होती है, इसलिए सेब को हमेशा छिलके के साथ ही खाएं। कैन साल 2007 में सामने आई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक सेब के छिलके में ट्रिटरपेनॉइड्स कंपाउंड पाए जाते हैं। ये कंपाउंड कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को नष्ट कर देते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च के मुताबिक सेब में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो फेफड़ों में कैंसर के खतरे को कम कर देते हैं। एक स्टडी की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो लोग एक हफ्ते में लगभग 5 या इससे ज्यादा सेब खाते हैं उनके फेफड़े ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं, साथ ही इससे अस्थमा होने की संभावना भी बेहद कम हो जाती है।